बड़े बड़े कारोबारियों और बॉलीवुड फिल्म निर्माताओं से जबरन वसूली कर दहशत फैलाने वाला डॉन कहें, या अपने इशारों पर बड़े से बड़े सितारों को नचाने वाला वहशतगर्द। 1993 में हुए मुंबई बम धमाकों का आरोपी कहें, या 1995 को बिल्डर प्रदीप जैन की निर्मम हत्या का दोषी, या फिर 1997 में गुलशन कुमार की हत्या का साजिश करता। ऐसे अनेकों गुनाहों को अंजाम देने वाला अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम आज के समय में मुंबई के आर्थर रोड जेल में अपने संगीन गुनाहों के लिए उम्र कैद की सजा काट रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि अबू सलेम आखिर अंडरवर्ल्ड डॉन बना कैसे? कैसे उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में रहने वाला एक गरीब परिवार का लड़का दाऊद इब्राहिम के संपर्क में आया और बन गया अंडरवर्ल्ड डॉन? जानकारों के अनुसार अबू सलेम के पिता अब्दुल कय्यूम अंसारी पेशे से वकील थे, जिनकी 4 बेटियां और 3 बेटे थे। कय्यूम अंसारी नजदीक के शहरों की कोर्ट में मुकदमे के लिए जाया करते थे, लेकिन एक बार जब वो अपने राजदूत मोटरसाइकिल से काम के सिलसिले में जा रहे थे तो रास्ते में एक दुर्घटना की वजह से उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। अब ऐसे में उनका पूरा परिवार गरीबी के दलदल में समा गया। हालांकि किसी तरह सलेम की माँ छोटा मोटा काम करके बच्चों के खाने पीने का इंतजाम करती थी, और ऐसे बुरे वक्त में अबू सलेम के चाचा ने उसे सहारा दिया और पाल पोस कर बड़ा किया। लेकिन सलेम जब बड़ा हुआ तो उसने सोचा कि पैसे कमाने के लिए कुछ किया जाए, इसलिए वह आजमगढ़ से दिल्ली आ गया। वहां पर उसने कुछ दिनों तक बाइक रिपेयरिंग का काम भी किया, लेकिन इस काम से उसे संतुष्टि नहीं मिली, इसलिए वो सपनों की नगरी मुंबई आ गया और यहीं से शुरू हुई उसके डॉन बनने की कहानी। हालांकि पहले से उसके मन में डॉन या गैंगस्टर बनने की कोई ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान कुछ हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो तो क्या अच्छा और क्या बुरा उसे कुछ नजर नहीं आता। ऐसा ही कुछ हुआ अबू सलेम के साथ। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार मुंबई आकर सलेम जोगेश्वरी के किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में एक स्टॉल पर बेल्ट जैसे फैशन के अन्य सामान बेचने लगा। ये उन दिनों की बात है जब अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का मुंबई में काफी बोलबाला था। ऐसे में अनेक यंग लोगों के लिए जो गुनाह की दुनिया में आना चाहते थे, दाऊद इब्राहिम रोल मॉडल बन चुका था, जिसे देखो वही भाई बनने की ख्वाहिश पाले घुमा करता था। जिस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की दुकान में अबू सलेम काम कर रहा था, वहां पर भी ऐसे लोगों का आना जाना लगा रहता था जो खुलेआम भाईगिरी दिखाया करते थे, और बेचारे आम लोग उनसे खौफ खाते थे। ऐसे में 22-23 साल की यंग उम्र वाले अबू सलेम भी दादागिरी करने वाले लोगों से प्रभावित होने लगा और खुद को उसी लाइन में बुलंदी तक पहुंचाने के सपने संजोने लगा था। ये वाकया साल 1989 से 1990 के दौरान का है, जब खुलेआम दाऊद इब्राहिम के लोग मासूम लोगों को डराते धमकाते और दहशत फैलाते थे। मुंबई में इन गुनहगारों के मन में किसी प्रकार का कोई खौफ नहीं होता था, क्योंकि इन पर शिकंजा कसने की हिम्मत किसी में नहीं थी। धीरे धीरे अबू सलेम भी उन दादागिरी करने वाले लोगों की गिरोह में शामिल हो गया। अब दिन में वो अपनी दुकान चलाता और रात को भाईगिरी करता। इसी तरह कुछ वक्त बीता और उसके तार दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई अनीस इब्राहिम के साथ जुड़ने लगे, और फिर उसने सोने की स्मगलिंग करने की शुरुआत कर दी। धीरे धीरे करके उसने स्मगलिंग के सारे गुण सीख लिए।
इसी बीच मुंबई की चकाचौंध में खुद की चमक बढ़ाने के लिए उसने खुद को हीरो बनाकर एक निर्मोही नाम की फिल्म बनाने की सोची और उसके लिए उसने करीब 11 गानों की रिकॉर्डिंग भी की। हालांकि सलेम की यह फिल्म कभी पूरी नहीं हो सकी। इसी दौरान समीरा नाम की एक लड़की से सलेम को प्यार हो गया और दोनों ने भागकर शादी कर ली। अबू सलेम की जिंदगी पर किताब लिखने वाले हुसैन जैदी के अनुसार 1993 में फिल्म स्टार संजय दत्त ने अनीस को फोन करके कहा था कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं, इसलिए उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए गन की आवश्यकता है। ऐसे में अनीस इब्राहिम ने अबू सलेम को फोन किया और कहा कि जाके संजू को मशीन दे आ। ये वो पहला मौका था जब किसी फिल्म स्टार से अबू सलेम की मुलाकात हुई थी। मुंबई बम धमाकों के बाद जब बयान दर्ज किए गए तो सलेम ने बताया कि संजय दत्त को देखकर वो भौचक्के रह गए थे। खुशी के मारे अबू सलेम ने कम से कम 3 बार संजय दत्त को गले से लगा लिया। संजय दत्त ने अपने पास एक ही गन रखी और बाकी के वापस लौटा दिया था। हालांकि अब तक अबू सलेम के खिलाफ संजय दत्त को हथियार पहुंचाने के अलावा कोई संगीन आरोप नहीं लगे थे, लेकिन इसके बाद जब वो दुबई चला गया तो वहां से उसने लोगों को धमकियां देने की शुरुआत की और जबरन वसूली का धंधा करने लगा, जिससे लोगों की नजरों में उसने अपनी छवि डॉन की बना ली थी। उसके डॉन की छवि में तब और ज्यादा इजाफा हो गया जब उसने जाने माने फिल्म निर्माता गुलशन कुमार की हत्या करवा दी। यही नहीं, उसने तो राकेश रोशन और राजीव राय को भी मौत के घाट उतारने की पूरी साजिश रच ली थी, पर उसका यह प्लान अंजाम तक पहुंचने से पहले फेल हो गया। लेकिन लोगों के मन में उसका डर काफी ज्यादा बैठ गया था। अब तो सलेम की छवि खतरनाक अंडरवर्ल्ड डॉन की श्रेणी में शुमार हो गई थी। फिल्म इंडस्ट्री में उसके दहशत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि डर के मारे बड़े बड़े स्टार उसके पार्टियों में दिखाई देने लगे। यहां तक कि तयशुदा वक्त से पहले ही लोग वसूली की रकम उसके पास पहुंचा दिया करते थे। 90 के दशक में एक वक्त ऐसा आया जब डी कंपनी के अनेक शूटर्स को या तो पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया या फिर छोटा राजन के गिरोह ने कईयों को मार दिया। TV9 के वेब पोर्टल पर छपी एक खबर के अनुसार जब डी कंपनी के पास शूटर्स की कमी होने लगी तो ऐसे हालात में अबू सलेम ने आजमगढ़ के कुछ बेरोजगार नौजवानों को अपना शूटर बनाने की शुरुआत की। उसके वो शूटर्स मुंबई आते, तय वारदात को अंजाम देते और तुरंत वापस अपने घर लौट जाते। ऐसे में मुंबई की पुलिस के लिए उन्हें ट्रैक कर पाना नामुमकिन सा होता था, क्योंकि मुंबई पुलिस के पास उन शूटर्स का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड होता ही नहीं था। इसी दौरान शादीशुदा अबू सलेम को एक बार फिर से इश्क हुआ और ये इश्क उसे बॉलीवुड इंडस्ट्री की जानी मानी खूबसूरत अभिनेत्री मोनिका बेदी से हुआ। धीरे धीरे इनका इश्क परवान चढ़ा और मोनिका बेदी सलेम के साथ दुबई में रहने लगी। कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया जाता रहा है कि अबू सलेम के खिलाफ फर्जी पासपोर्ट, किडनैपिंग, हत्या और फिरौती मांगने के 60 से भी ज्यादा मुकदमे अलग अलग शहरों में दर्ज हैं। फर्जी पासपोर्ट के मामले में तो सलेम को दोषी भी करार दिया जा चुका है। वहीं सलेम पर आरोप है कि उसने मुंबई में हुए बम धमाकों में दाऊद इब्राहिम के साथ मिलकर अपने साथियों को गोला बारूद और हथियार मुहैया करवाया था। क्योंकि अबू सलेम पुर्तगाल में था, इसलिए काफी लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार साल 2005 को मोनिका बेदी के साथ अबू सलेम को भारत लाया गया। इसके बाद भारत को एक एफिडेविट देना पड़ा। उस समय की सरकार में रहे उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने पुर्तगाल के कोर्ट और वहां की सरकार को लिखित तौर पर यह आश्वासन दिया कि अबू सलेम को 25 साल से ज्यादा समय के लिए जेल की सजा नहीं दी जाएगी और ना ही सलेम को मौत की सजा दी जाएगी। अब ऐसे में कहा जा सकता है कि साल 2030 में अबू सलेम को रिहाई का फरमान शायद सुना दिया जाए।
तब उसकी सजा को पूरे 25 साल हो जाएंगे। लेकिन इस पर अभी कोर्ट और सरकार के बीच कुछ बातें चल रही हैं। अप्रैल 2022 में एक सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार से कुछ तीखे सवाल पूछे थे और अपनी नाराजगी दर्ज करवाई थी। जवानी के जोश में शायद हर गैंगस्टर को लगता है कि वो सबसे ताकतवर है, पर पुलिस और कानून से ज्यादा दिन बचना बहुत मुश्किल है। स्टोरी बाबा पुलिस प्रशासन और जुडिशरी को उनके काम के लिए सैल्यूट करता है। जय हिंद।